वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज योर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। यूनिट नंबर 3 सेक्शन 2 टॉमीज टी शर्ट। टॉमी का टी शर्ट, लेट्स वी एक्सप्लेन दिस। वेयर इज माय टी शर्ट आस्क्ड टॉमी। टॉमी ने पूछा मेरा टी शर्ट कहाँ पे है। ही लुक्स इन द कपबोर्ड, उसने कपबोर्ड में देखा। ही लुक्स इन द ड्रॉवर्स, उसने ड्रॉवर्स में देखा। ही लुक्स इन द बास्केट, उसने बास्केट में भी देखा। ही लुक्स एवरीवेयर, उसने सभी जगह पे देखा। ही कैन नॉट फाइंड हिज ड्रेस, पर उसे उसका ड्रेस नहीं मिला। वेयर इज इट आस्क्ड टॉमी। टॉमी ने पूछा वो कहाँ पे होगा। टॉमी सीज टीना, टीना इज प्लेइंग विथ हर डॉल्स। टॉमी ने टीना को देखा और उसे टीना अपनी डॉल्स के साथ खेल रही थी। टीना टीना सेज टॉमी, टॉमी बोला टीना टीना आई कांट फाइंड माय टी शर्ट, इट हैज एन एप्पल एंड द लेटर टी ऑन इट। मुझे मेरी टी शर्ट नहीं मिल रही है, इसके ऊपर एक एप्पल और टी लेटर लिखा हुआ था। वेयर इज इट, वो कहाँ पे है। लुक एट द पिक्चर, टीना अपनी डॉल के साथ खेल रही है। वो जिस टी शर्ट के बारे में बात कर रहा है इसके ऊपर एक एप्पल है और ऊपर उसने टी लिखा हुआ है। टीना डज नॉट लुक अप, शी सेज आई डोंट नो टॉमी। टीना ने ऊपर नहीं देखा और वो बोली टॉमी मुझे नहीं पता है। टॉमी सीज किम, टॉमी ने किम को देखा। किम इज रीडिंग अ बुक, किम बुक रीड कर रहा था। किम किम सीज टॉमी, टॉमी बोला किम किम आई कांट फाइंड माय टी शर्ट, इट हैज एन एप्पल एंड द लेटर टी ऑन इट। वेयर इज इट, मुझे मेरी टी शर्ट नहीं मिल रही है और उसके ऊपर एक एप्पल था और लेटर टी उसके ऊपर लिखा हुआ था, वो कहाँ पे है। किम डज नॉट लुक अप, शी सेज आई डोंट नो टॉमी। किम ने भी ऊपर नहीं देखा, वो बोली मुझे नहीं पता है टॉमी। टॉमी इज वेरी सैड, टॉमी उदास हो गया। ही कैन नॉट फाइंड हिज टी शर्ट, वो उसकी टी शर्ट नहीं ढूंढ पाया, उसे उसकी टी शर्ट नहीं मिली। डज मदर नो, शी सेज टॉमी। टॉमी बोला क्या मम्मी को पता होगा। आई शैल आस्क हर, ही रन्स टू मदर, मुझे उससे पूछना चाहिए और वो मम्मी के पास गया। मदर मदर सेज टॉमी आई कांट फाइंड माई टी शर्ट, इट हैज एन एप्पल एंड द लेटर टी ऑन इट। वेयर इज इट, मुझे मेरी टी शर्ट नहीं मिल रही है, वो टी शर्ट के ऊपर एक एप्पल था और उसके ऊपर टी लेटर लिखा हुआ था, वो कहाँ पे है। मदर लुक्स एट टॉमी, मम्मी ने टॉमी की तरफ देखा। शी सेज, यहाँ पे सी आए, शी आएगा बिकॉज मम्मी है, मम्मी के साथ शी का यूज होता है। शी सेज गो टू योर रूम टॉमी एंड लुक इन द मिरर, मम्मी ने बोला तुम अपने रूम में जाओ और मिरर के सामने देखो। टॉमी रन्स टू हिज रूम, ही लुक्स इन द मिरर, टॉमी अपने रूम में गया और उसने मिरर में देखा। ही फाइंड्स द टी शर्ट ही इज वियरिंग इट, उससे उसकी टी शर्ट मिल गई, उसने उसे पहना था। लुक द पिक्चर, उसने मिरर में देखा और उसके टी शर्ट मिल गई, उसमें एप्पल है और लेटर टी लिखा हुआ है। लेट्स वी स्टार्ट सेकंड टाइम दिस। वेयर इज माई टी शर्ट आस्क टॉमी, ही लुक्स इन द कपबोर्ड, ही लुक्स इन द ड्रॉवर, ही लुक्स इन द बास्केट, ही लुक्स एवरीवेयर, ही कैन नॉट फाइंड हिज ड्रेस। टॉमी ने पूछा मेरी टी शर्ट कहाँ पे, उसने कपबोर्ड में, ड्रोवर में, बास्केट में सभी जगह देख लिया पर उसे उसकी ड्रेस नहीं मिली। वेयर इज इट आस्क टॉमी, वो कहाँ पे। टॉमी सीज टीना, टीना इज प्लेइंग विथ हर डॉल्स, टॉमी ने
टीना को देखा, वो अपनी डॉल्स के साथ खेल रही थी। टीना टीना सेज टॉमी, आई कांट फाइंड माई टी शर्ट, इट हैज एन एप्पल एंड द लेटर टी ऑन इट, वेयर इज इट। टॉमी बोला, टीना टीना मुझे मेरी टी शर्ट नहीं मिल रही, उसके ऊपर एक एप्पल है और उसके ऊपर टी लेटर लिखा हुआ है, वो कहाँ पे है। टीना डज नॉट लुक अप, शी सेज आई डोंट नो टॉमी। टीना ने ऊपर नहीं देखा और वो बोली, मुझे नहीं पता है टॉमी। टॉमी सीज किम, किम इज रीडिंग अ बुक। टॉमी ने किम को देखा और किम बुक रीड कर रही थी। किम किम सेज टॉमी, आई कांट फाइंड माई टी शर्ट, इट हैज अ एप्पल एंड द लेटर टी ऑन इट, वेयर इज इट। टॉमी बोला, किम किम मुझे मेरी टी शर्ट नहीं मिल रही है, उसके ऊपर एक एप्पल और उसके ऊपर टी लेटर लिखा हुआ था, वो कहाँ पे है। किम डज नॉट लुक अप, शी सेज आई डोंट नो टॉमी। किम ने भी ऊपर नहीं देखा और वो बोली, मुझे नहीं पता है टॉमी। टॉमी इज वेरी सैड, ही कैन नॉट फाइंड हिज टी शर्ट। टॉमी बहुत ही उदास था, उसे उसकी टी शर्ट नहीं मिली। डज मदर नो, सेज टॉमी, आई शैल आस्क हर, ही रन्स टू मदर। क्या मम्मी को पता होगा, टॉमी बोला और उसके मैं उसे पूछता हूँ, और वो मम्मी की तरफ गया। मदर मदर सेज टॉमी, आई कांट फाइंड माई टी शर्ट, इट हैज एन एप्पल एंड द लेटर टी ऑन इट, वेयर इज इट। टॉमी बोला, मम्मी मम्मी मुझे मेरी टी शर्ट नहीं मिल रही है, वो उसके ऊपर एक एप्पल और उसके ऊपर टी लेटर लिखा हुआ था, वो कहाँ पे है। मदर लुक्स एट टॉमी, शी सेज गो टू योर रूम टॉमी एंड लुक इन द मिरर। मम्मी ने टॉमी की तरफ देखा और वो बोली, टॉमी तुम अपने रूम में जाओ और मिरर में देखो। टॉमी रन्स टू हिज रूम, ही लुक्स इन द मिरर। टॉमी अपने रूम में गया और उसने मिरर में देखा। ही फाइंड्स द टी शर्ट ही वियरिंग इट, उससे उसकी टी शर्ट मिल गई, उसने उसे पहना था। अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ए, आंसर द क्वेश्चन। एंड दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज टॉमी लुक फॉर हिज टी शर्ट। टॉमी ने उसकी टी शर्ट कहाँ पे ढूंढी थी, तो उसने सभी जगह पे अपनी टी शर्ट देखी पर कहीं नहीं मिली। सो आंसर इज टॉमी लुक्स फॉर अ टी शर्ट, फॉर हिज टी शर्ट एवरीवेयर। सेकेंड क्वेश्चन, डज ही फाइंड हिज टी शर्ट, क्या उसे उसकी टी शर्ट मिली। यस, लास्ट में उसको उसकी टी शर्ट मिल गई थी, तो यस ही फाइंड हिज टी शर्ट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज टीना डूइंग, टीना क्या कर रही थी, तो टीना अपनी डॉल्स के साथ खेल रही थी। आंसर इज टीना इज प्लेइंग विथ हर डॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज किम डूइंग, किम क्या कर रहा था, तो किम बुक रीडिंग कर रहा था। सो आंसर इज किम इज रीडिंग अ बुक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ डज हिज टी शर्ट लुक, उसकी टी शर्ट का लुक क्या था। टी शर्ट के ऊपर एक एप्पल था और उसके ऊपर टी लेटर लिखा हुआ था। अवर आंसर इज हिज टी शर्ट हैज एन एप्पल एंड द लेटर टी ऑन इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट ब्लैंक इज मदर सेज टू टोमी गो टू योर डैश गो टू योर रूम. सेकेंड इज टोमी फाइंड्स द डैश टी शर्ट. थर्ड टोमी लुक्स इन द मिरर. फोर्थ ही इज डैश द टी शर्ट वियरिंग. क्वेश्चन नंबर सी, आस्क योर सेल्फ. फर्स्ट इज डू यू कीप योर थिंग्स इन अ राइट प्लेस. क्या आप अपनी जगह सही जगह पे रखते हो? क्या आप अपनी चीजें सही जगह पे रखते हो? आवर आंसर इज यस आई कीप माई थिंग्स इन राइट प्लेस. सेकेंड इज वॉट डज टी स्टैंड फॉर ऑन द ड्रेस. ड्रेस में टी कहाँ पे था? तो आंसर इज टी स्टैंड फॉर टॉमी'स टी शर्ट. On the dress. Next, third, do you know the reason why Tina and Kim could not tell Tommy he was wearing the t-shirt? क्या आपको पता है कि टीना और किम को क्यों पता नहीं चला कि टॉमी ने वो ही टी-शर्ट पहना था? क्योंकि उसने ऊपर देखा ही नहीं था. तो our answer is Tina and Kim could not tell Tommy that he was wearing the t-shirt. Because they did not look up to see Tommy. क्योंकि उसने ऊपर देखा ही नहीं था. So our answer is Tina and Kim could not tell Tommy that he was wearing the t-shirt because they did not look up to see Tommy. Next is writing. In this first question number A, look at the picture carefully. यहाँ पे आप लोगों को एक गर्ल का पिक्चर दिया है, उसे देखना है. She is a Japanese girl. Her dress is called kimono. यहाँ पे एक जापानीज गर्ल आप लोगों को दी है और इसकी ड्रेस को कहते हैं kimono. Now fill in the blanks. First, She is wearing a pink. Pink color का उसने क्या पहना है? Dress. So here write pink dress. Second, she is wearing dash slipper. उसने slipper कैसे पहने? Brown color के. So here write brown slipper. Then third, she is holding a red dash. उसने रेड कलर की क्या होल्ड की है? अम्ब्रेला. सो हियर राइट रेड अम्ब्रेला. एंड फोर्थ, शी इज डैश. वो कैसे लग रही है? तो ब्यूटीफुल. सो हियर राइट शी इज ब्यूटीफुल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द मिसिंग वॉवेल्स. यहाँ पे आप लोगों को ब्लैंक्स दिए, उसमें वॉवेल्स आप लोगों को लिखने. फर्स्ट पिक्चर है जैकेट का, उसमें डैश दिया जे, बाद में आएगा ए सी के ई टी जैकेट. देन सेकंड स्कर्ट, स्कर्ट में एस के आई आर टी.
Then picture is scarf ka. Scarf means S C A R F. Then trousers. Sorry. Trousers T R R U S E R S. Then shirt S H I R T S. Then sweater. Sweater mein S W E A T E R. Then hat. Then socks. Socks mein S O. Then frog F R O C K. Then t-shirt T S H I R T. Then listening and speaking. Let's listen and think. यहाँ पे आप लोगों को एक स्टोरी दी है, The dog and his reflection. एक कुत्ता और उसकी परछाई. One day a dog was crossing a bridge over a stream with a piece of bone in his mouth. एक दिन एक कुत्ता नदी के ऊपर जो ब्रिज है वो क्रॉस कर रहा था, उसके साथ उसके मुंह में एक हड्डी का टुकड़ा था. He saw his own reflection in the water. उसने उसकी परछाई पानी में देखी. He thought it was another dog with a bigger piece of bone. उसको लगा कि कोई और कुत्ता उससे बड़ा पीस वो हड्डी का टुकड़ा लेके जा रहा है. He wished to have that bone, so he growled and forward at it. उसे भी वो हड्डी का टुकड़ा चाहिए था, इसीलिए वो उसे घूर घूर कर देखने लगा और उसकी तरफ आगे बढ़ा. Then he opened his mouth to get the other piece of bone, but at that moment his own bone fell into the water with a splash and the stream swept it away. उसे वो हड्डी चाहिए थी, इसीलिए उसने अपना मुंह खोला. जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उसी वक्त उसके मुंह में से वो हड्डी का टुकड़ा नीचे गिर गया और नदी में बह गया. Thus he lost both. इसीलिए उसने दोनों को खो दिया. Look at the picture. यहाँ पे कुत्ता है जो ब्रिज के ऊपर हड्डी का टुकड़ा लेके जा रहा था, बट उसने उसका रिफ्लेक्शन पानी में देखा और उसे लगा कि कोई और कुत्ता हड्डी लेके जा रहा है, उसे वो भी चाहिए था. तो उसने उसे मुंह खोला, ऐसे ही उसकी वो जो हड्डी थी वो पानी में गिर गई और वो बह गई. What do you learn from this story? Tick right the suitable answer. आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है, उसे जो भी यहाँ पे राइट है उसके सामने राइट का टिक करना है. फर्स्ट, अ मैन इज नो बाय द कंपनी ही कीप्स. जो भी पर्सन उसके साथ जो भी कंपनी यानी उसके साथ जो होता है उसके द्वारा वो जाना जाता है. दिस इज नॉट. बी है ग्रीड कैन मेक यू लॉस एवरीथिंग यू हैव. ग्रीड यानी लालच आपके पास जो भी है उसे भी गुमा सकती. एंड लास्ट, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. अवर आंसर इज ग्रीड कैन मेक यू लॉस एवरीथिंग यू हैव. देन लैंग्वेज इज इन यूज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए ड्रॉ अ लाइन अंडर द करेक्ट सेंटेंस ऑफ ईच पिक्चर. यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर के सामने दो लाइन्स दिए, उसमें से जो भी पिक्चर्स के रिलेटेड है उसको अंडरलाइन करनी है. फर्स्ट है टॉमी इज रनिंग, टॉमी इज स्टैंडिंग. पिक्चर में टॉमी हमें खड़ा हुआ दिखता है, तो टॉमी इज स्टैंडिंग. देन सेकंड, फादर इज ईटिंग, फादर इज कुकिंग. पिक्चर में हमें दिख रहा है कि फादर ईटिंग, तो अवर आंसर इज फादर इज ईटिंग. Then third, Tina is reading a book. Tina is playing with her doll. Picture में Tina अपनी doll के साथ खेल रही. So Tina is playing with her doll. Then Joy is reading a book.
जय इज लुकिंग फॉर हिज ड्रेस. जय पिक्चर में बुक रीड कर रहा है. तो अवर आंसर इज जय इज रीडिंग अ बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द पिक्चर देन फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस वर्ड्स. यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर्स तो दी है पर हाफ है, उसे कंप्लीट करना है. फर्स्ट वी कंप्लीट दिस. यहाँ पे देख, यहाँ पे एक पिक्चर है टेबल का, उसे कंप्लीट करना है. तो उसे कंप्लीट करो. और पिक्चर है टेबल, यहाँ पे आप लोगों को वर्ड्स में दिया है टेबल. सो हियर अ टेबल. देन है पिक्चर ऑरेंज. तो हियर कंप्लीट दिस ऑरेंज. एंड हियर राइट एंड ऑरेंज. देन पिक्चर है एप्पल. सो हियर कंप्लीट दिस एप्पल एंड राइट एप्पल एंड एप्पल. देन है शर्ट. सो हियर कंप्लीट दिस शर्ट एंड राइट अ शर्ट. देन पिक्चर इज अम्ब्रेला. सो हियर कंप्लीट दिस अम्ब्रेला and here write an umbrella. And last is shoes. So complete these shoes and here write a shoe. Next writing, write and color the words that rhymes. यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि not, तो उसमें जो भी नोट वाले राइमिंग वर्ड्स है उसमें ग्रीन कलर करना है. डाउन वाले वर्ड्स में पर्पल एंड इन वाले वर्ड्स में पिंक. जैसे कि यहाँ पे है डॉट, गॉट, कॉट, जॉट एंड स्पॉट, जिसमें हमें कलर करना है ग्रीन लाइक दिस. एंड देन हमें कलर करना है डाउन वाले वर्ड्स में पर्पल कलर, जैसे कि ग्राउंड, फ्राउन, क्राउन, ड्राउन, टाउन एंड क्राउन, क्लोन, सॉरी लाइक दिस. एंड देन इन वाले वर्ड्स में पिंक कलर करना है, जैसे कि फिन, कीन, चीन एंड पिन लाइक दिस. एंड देन कंप्लीट इट. नेक्स्ट स्टडी स्किल. क्वेश्चन नंबर ए, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. फर्स्ट इज टॉमीज टी शर्ट हैज एन ऑरेंज एप्पल. टॉमी की टी शर्ट में एप्पल था, सो एप्पल के नीचे अंडरलाइन. टीना सेज आई डोंट नो ऑब्लिक आई नो. टीना सेज आई डोंट नो. थर्ड इज टॉमी इज वेरी सैड. टॉमी बहुत उदास था. फोर्थ टॉमी रन्स टू मदर. वो उसकी मम्मी के पास गया. देन क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द क्वेश्चन. फर्स्ट इज व्हाट डू यू सी व्हेन यू फील सैड. आप जब भी उदास होते हो तब क्या करते हो. तो इन आंसर आप लोगों को ऑरली आपके आंसर लिखने, मैं यहाँ पे लिखती हूँ. व्हेन आई एम सैड आई टोल्ड माय प्रॉब्लम टू माय पेरेंट्स. जब भी मैं उदास होती हूँ तभी मेरी प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स को बताती हूँ. देन सेकेंड इज What do you sing when you feel happy? जब भी आप happy होते हैं तो आप क्या गाते हो. तो in answer, when I feel happy, I sing movie song. तभी मैं movies के song गाती हूँ. Then
क्वेश्चन नंबर सी, पिक आउट ऑल द वर्ड्स इन द स्टोरी दैट हैव द लेटर टी। स्टोरी में से हमें वर्ड्स निकालने हैं जिसमें टी का यूज हुआ है, जैसे कि टॉमी, देन टीना, देन टी शर्ट, देन बास्केट, देन मदर, देन डोंट, और लास्ट ईट। सभी वर्ड्स में टिक का यूज हुआ है। एंड देन डी, फाइंड आउट विच क्लॉथ्स योर क्लास फ्रेंड्स आर वियरिंग। व्हाट आर दे मेड ऑफ, वूल, नियॉन, कॉटन एक्सेट्रा। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द क्लॉथ्स यू हैव ऑब्जर्व। अपने आपके क्लास में जो भी फ्रेंड्स है वो किस टाइप के कपड़े पहन के आते हैं वो आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। इन दिस नथिंग मच। In next video, we will see next chapter of this, next unit of this. Vande Mataram.